अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। हम सब बच्चों ने अम्मा के लिए एक सरप्राइज़ बर्थडे प्लान की हुई है। अम्मा'ज़ बर्थडे इज़ ऑन द 13th of May, लेकिन क्योंकि अनिया वोंट बी हेयर तो हम पहले सेलिब्रेट करें। और मैं जा रही हूँ आज आबिश के साथ कराची कंपनी, बिकॉज मुझे टेबल क्लॉथ लेना था तो वो काम करना है। देन आई हैव टू गेट हर डेकोर स्टफ। अनिया मेरे साथ नहीं है बिकॉज शी हैज़ टू गो गेट ग्रोसरीज फॉर अम्मा'ज़ बर्थडे। तो हम दोनों अपने अलग अलग कामों में निकले हुए हैं और रियली एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ कम्प्लीट सरप्राइज फॉर हर। उनको कोई आइडिया नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, बर्थडे का कोई सीन है भी कि नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली उनको पता है कि बर्थडे जो है वो बहुत दूर है अभी। तो शी इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी रियली रियली सरप्राइज लुकिंग एट द सेलिब्रेशन। तो बस तैयारी जो है अभी करने चल रहे हैं। आई गॉट डन फ्रॉम माई जिम, तो मैंने सोचा कि मैं पहले आबिश को पिक कर लूँ यहाँ से। शी ऑल्सो हैज़ सम वर्क टू डू, तो हम दोनों साथ जाएंगे और आपको भी साथ लेके चलते हैं। ये राशा की बारा में अनारकली मैचिंग सेंटर है। मुझे ये कपड़ा अच्छा लग रहा है, ये बेसिक शामू सिल्क है और इसका अर्ज़ मुझे छोटा लग रहा है, तो मुझे डाइनिंग टेबल पे इस फॉल में चाहिए कि उसमें चुनटे भी आ जाएँ और दोनों साइड्स पे आ जाए। तो ये ले लेते हैं और कोई कलर सेंटर में रनर के लिए ले लेते हैं। अब सेंटर में बिछाना है थोड़ा रनर टाइप का कपड़ा, जो थोड़ा सा हम चुनट करके डालेंगे। तो उसमें ये कपड़ा मिला, ये भी अच्छा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि सिल्वर और वाइट थीम रखें, तो वाइट के लिए बेस में ये आ जाएगा। हाँ, इस पर शाइन है। चले ये मुझे दें, फिर आप 7 गज पूरा इसमें जितनी चाहिए ना कटिंग मिल सके। चले ले रहे हैं ये भाई, फैब्रिक कट कर रहे हैं इसका। ये कपड़ा क्या है? ये वही है, सिल्क है, शिमर सिल्क है, शिमर सिल्क है ये। और जो ये वाला है ये शामू सिल्क है। ये 7 गज लिया है मैंने। आई थिंक टेबल के जो हम सेंटर में रनर, जब रनर के तौर पर जो बिछाएंगे तो ये आ जाएगा पूरा 7 गज ये पूरा। अच्छा, ये वाली मैंने करवा ली कटिंग, बाकी दूसरे कतान सिल्क में मुझे समझ नहीं आ रहा था। ये वाला मुझे कपड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और शामू सो ऑब्वियसली बेस में आ जाएगा। फर्स्ट टास्क ख़त्म, जो हमने फैब्रिक लेना था वो मिल गया है टेबल के लिए। और बाकी जो कैंडल स्टैंड्स हैं, फेरी लाइट्स भी पड़ी हुई है, आई एम थिंकिंग टू गेट मोर फेरी लाइट्स। दूसरा अब जो है बाकी सारी डेकोर की चीज़ें लेनी है, वो मैं लूँगी F10 से, फ्रॉम ईदर स्क्रिबल्स या फिर एक और शॉप है वहाँ पर, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो जहाँ से मैंने उम्र की बर्थडे की चीज़ें ली थी। तो फिर वहीं चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। गाइस, ये सॉफ्ट वर्ल्ड के नीचे हैं सबवे के पास सारी शॉप्स, पेपर मैन, स्क्रिबल्स और 2-3 और हैं। यहाँ चल के देखते हैं कि हमें क्या डेकोर मिलता है। सो गाइस, वी आर एट स्क्रिबल्स और सबसे पहले तो मेरी नज़र पड़ी है इन क्यूट से लैंटर्न्स पे। आबिश से मैं मशवरा कर रही हूँ कि इस पर लगाएँ कि ना लगाएँ, बिकॉज बेस वाइट है तो उस पर ब्लैक अच्छा लगेगा कि वाइट अच्छा लगेगा? ब्लैक सही है। तो फिर ये देखते हैं इनमें से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। और इनको हमने बोला है कि हैप्पी बर्थडे, ये मुझे सिल्वर में चाहिए। सिल्वर में, हाँ सिल्वर में निकाल दें। सिल्वर में फुल अल्फाबेट पूरा लेना पड़ेगा पे? जी जी, पूरा एक ही पैक होता है। कितने का ये प्राइस बनती है? 390 का ये, 240 का वो है हमारी। अच्छा चले, पूरा ही दे दें फिर मुझे। फिर आप मुझे अल्फाबेट्स में A2A2M चाहिए। अलग से? अलग से, मैम अल्फाबेट आ रहे नहीं है। उन्हों बिल्कुल भी नहीं होंगे, आ रही नहीं है। अच्छा, ये मुझे कैनवस स्टैंड नज़र आया, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर ये ले लिया जाए और इस पर हम एक बोर्ड रखें डाइनिंग या लाउंज के एंट्रेंस पे, तो ये भी बहुत क्यूट लगेगा। सो आई एम थिंकिंग टू गेट दिस वन। ये फोम कोट शीट है, ये इन्होंने मुझे निकाल के दिया, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसमें साइज़ छोटा मिल जाएगा? अच्छा चलें ठीक है, साइज़ यही। तो आई थिंक इसको हमने ख़ुद क्रिएट करना होगा, तो देखते हैं कि इसके ऊपर क्या लगाना है। हाँ, कटिंग भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो हाँ बताओ। ये वाली तो मुझे थोड़ी सी मज़े की नहीं लगती, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है सबसे ज़्यादा। तो आप कितने ले रही हैं? कितने लूँ टेबल पे? बहुत क्यूट है यार, 4 ले लूँ? 4 निकलवा तो आप निकालूँ, देखो उनकी सेल्स ठीक हैं। वो वाली हमने ली थी है 3, उनके वो 3 ही पीसेस पड़े थे। और ये मैं चाह रही हूँ, ये हमारी ख़राब हो गई हैं बाकी, तो फिर हम कितनी लें? फेरी लाइट्स भी होंगी तो आई थिंक 4 काफ़ी होंगी, 5 काफ़ी होंगी। हाँ, वो भी बॉटन डी कैंडल लाइट्स, ये लैंटर्न लाइट्स हो गई हैं, फेरी लाइट्स हो गई हैं, ये लैटेक्स वाले बलून्स हो गए हैं, इसमें मैं सोच रही हूँ हम खुद ही फुला लें, और कुछ प्लेन भी हैं। और ये जो है बोर्ड मैं सोच रही हूँ ले लूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इसको डेकोरेट कैसे करें। आप इश्क मी सम आइडियाज़, ग्लेस पेपर लगाएँ या कुछ शिमरी पेपर लगाएँ? शिमरी? तो आप पेपर्स की कहाँ पड़ी हैं आपके पास चीज़ें? अच्छा,
हाँ एक ग्रे मुझे बचपन का थोड़ा सा क्रिएटिविटी हिट की है क्योंकि हम ग्रे पेपर के फ्लावर्स बनाते थे, तो मैं सोच रही हूँ उसके फ्लावर्स बना के हम बोर्ड के ऊपर लगाएं और क्या कहते हैं उस पर अम्मा स्पेशल डे इस तरह का कुछ लिखते हैं। अनिया हैज़ रियली गुड हैंड राइटिंग, तो उससे जो है मैं हेल्प लूँगी इसमें। ये जूट के फ्लावर्स यहाँ पे पड़े हुए 220 का एक है, ये भी मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। नाउ आई एम कन्फ्यूज क्रेप पेपर लूँ या इसको बना बनाया ले रहा हूँ, बिकॉज इस ऑल्सो लुक्स ले। आप ये बताओ देखो बने बनाए भी मिल रहे हैं इनके पास, तो क्या करें? आइडिया, आई हैव एन आइडिया, लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा चाहिए होंगे। क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ उस पर सारे हम फ्लावर्स बना लें, लेकिन उस पर अम्मा कैसे लिखूँ? मैंने रिसर्च नहीं की भाई, मुझे रिसर्च करके आना चाहिए था, बट चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं एंड आई एम वेरी कन्फ्यूज कि भाई मुझे क्या लेना चाहिए। बोर्ड हमने ले लिया, चीज़ें वहाँ से बुक करवा ली थी, अब हम ढूंढ रहे हैं एक प्रिंटिंग शॉप जो कि मुझे राबिश को पूरे एफ 10 में नहीं मिल रही, उन्होंने हमें गाइड तो किया था बट वी कैंट फाइंड इट। तो ये बोर्ड हमने देना है वहाँ पर प्रिंटिंग के लिए ताकि मेरा काम आसान हो जाए, एस्थेटिक भी नहीं लगना था, इतने ज़्यादा फ्लावर्स बहुत मेसी लगते, तो होपफुली वो हमें मिलती है तो प्रिंटिंग के लिए देख के आते हैं। सो आई एम एट द शॉप जो कि है कैपिटल फोटो स्टेट F10 में। उनको बोर्ड दिया है, वो कह रहे हैं कि बोर्ड पे हम प्रिंटिंग नहीं करते, आपको एक पेपर पे प्रिंट कर देंगे मैट हो गई ग्लॉसियों का, आप खुद ही स्टिक कर लें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, यही अभी फिलहाल हमारे पास सोल्यूशन है। और दूसरा मेन्यू कार्ड्स मैंने बनवाए अनिया से, उससे मुझे भी सेंड किए हैं, दैट आई एम ऑल्सो गेटिंग प्रिंटेड ऑन सम मैट पेपर, तो होपफुली देखते हैं कि कैसे प्रिंट होकर आते हैं। और फिर हम वापस जाएंगे स्क्रिबल्स विल पिक अप सम स्टफ और फिर मैं और आप करेंगे कुछ स्नैकिंग। कार्ड्स तैयार, क्यूट अनिया ने बिल्कुल थीम के हिसाब से बना के भेजे हैं। ये पेपर मैट पेपर है, हार्ड पेपर, टेक्सचर वाला मिल नहीं रहा था तो मैंने इसी पे करवा लिए, और ये सारा जो है हमारा मेन्यू है ये तैयार हो गया। अम्मा की शीट अब इस पर पेस्टिंग करवानी है, अब शॉप पर वापस चलते हैं और उनको कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट है, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आ गई हैं एंड आई एम सो एग्जॉस्टेड बिकॉज सुबह से निकली हुई थी, जिम था एंड ऑल, और आबिश को भी मैंने बहुत ज़्यादा थका दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव हैदराबादी चटखारा की चाट, दोनों खाते हैं फिर आबिश को ड्रॉप करूँगी घर, और ये सामान सारा छुपा के गेस्ट रूम में रखूँगी एंड फिर आपको सारी तैयारियों के सीन्स दिखाएंगे। अब हम आ गए हैदराबादी चटखारा, हमने ऑर्डर की है एक दही पूरी जो कि गोलगप्पा की होती है, और दो हमने पापड़ी चाट मंगवाई है। आई थिंक आई ओवर ऑर्डर्ड, लेकिन आबिश को भी गोलगप्पे बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और हमने आबिश के घर पे खाना खाया था थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि इतना मेंटली ड्रेन हुए ना, एग्जॉस्ट हो गए चलते फिरते एक शॉप से दूसरी शॉप तक और काम का सारा कुछ, तो अब भाई भूख लग गई है तो अब खाते हैं। बहुत इंतज़ार के बाद ये हमारी दही पूरी और ये हमारी पापड़ी चाट आ गई, नाउ लेट्स टेक इन। ये मैं लेने चली गई थी नैपकिन्स, आई नीडेड देम फॉर द डाइनिंग टेबल। ये मुझे मिल गए थे अल्फता से, ये डॉकयार्ड कपड़ा था और ये दूसरा रफल्स वाला सिल्क में कपड़ा था, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा सो आई गॉट दिस वन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे और आज है अम्मा की बर्थडे और बहुत सारे काम करने हैं। वी हैव टू डू द डेकोर, वी हैव टू कुक एंड अभी मैं आई हूँ अम्मा का ड्रेस उठाने टेलर से। अम्मा को हमने बहुत फोर्स किया कि आप जहाँ जा रही हैं फिर अम्मा चाय के लिए जा रही हैं एक रिलेटिव के घर पे, तो हमने उनको बोला कि आप ये ड्रेस पहन के जाएँ, बट ऑब्वियसली थोड़ा सस्पिशियस हो रहा था, तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं। तो वी टोल्ड हर कि आज अनिया की फ्रेंड्स आ रही हैं दावत है और अम्मा और मेरी खाला जा रही हैं रिलेटिव के घर पे चाय के लिए। तो ये सारा जो हमने सिनेरियो क्रिएट किया है ताकि अम्मा को आइडिया बिल्कुल ना हो, आई एम प्रीटी श्योर शी डज नॉट हैव एनी आइडिया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि उनको थोड़ी थोड़ी सी हिंट्स मिल गई हैं, बट आई रियली होप दैट्स नॉट ट्रू। अब मैं आई हूँ आरिस के घर पे क्योंकि मैंने उठाना है सारा सामान जो कि मैं अंकल ड्रॉप करके गई थी, फिर मुझे जाना टेलर के पास कुछ कपड़े उठाने के लिए जिसमें अम्मा का ड्रेस भी है जो हम उनको सरप्राइज के बाद जो है पहनाएंगे फिर द केक कटिंग सेरेमनी एंड देन आई हैव टू गो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन माय रेसिपीज। मैं बना रही हूँ आज पिज्ज़ा, आई एम मेकिंग चिकन पिज्ज़ा, ग्रिल चिकन पिज्ज़ा एंड पेपरोनी पिज्ज़ा, सो आई हैव टू मेक द डो फॉर दैट। फिर जी मुझे बनानी है 3 मिल्क कप्स बनाने हैं एस्प्रेसो वाले, तो उसकी भी तैयारी करनी है। रियली एंग्शियस टुडे के पता नहीं चीज़ें कैसे वर्कआउट होती हैं, बट आई थिंक इंशाल्लाह ताला दे विल वर्कआउट। और इस्लामाबाद का मौसम हैज गॉटन सो नाइस, अभी इतनी गर्मी थी और अब इतना ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, सो रियली थैंकफुल फॉर दैट। मुझे तो था कि भाई गर्मी होगी और काम कैसे होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे लग रहा है बाकी काम भी भाई दे विल फॉल इनटू प्लेस एंड अब चलते हैं सामान उठाते हैं एंड देन वी विल गेट अम्मा'स ड्रेस। आरिस भाई मेरा सारा सामान इसने मुझसे गाड़ी में रखवाया है, बेचारा मेरी हेल्प कर रहा था। और क्या कहते हैं आरिस, दुआ करना यार काम हो जाए सारा,
और बाजी व्लॉग जरूर देखना, हैप्पी बर्थडे। अच्छा बाजी के लिए कोई अच्छा सा नोट, कोई अच्छा सा कोई लाइन बोलना चाहेंगे, कुछ अच्छी सा मैसेज दें, फिर वो जब वीडियो देखेंगी वो बहुत खुश होंगी। बाजी आई लव यू, यू आर द बेस्ट बाजी इन द वर्ल्ड। चलो सही, मैं बाजी को लाजमी दिखाऊंगी, वो मेरा वीडियो तो देखती नहीं लेकिन आई विल शो हिट टू हर। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ आबिश। मासू साहब के पास आ गए, मैं इनको कल देखी गई थी ये वाली सिल्क, बिकॉज ये लेंथ में तो बहुत लंबी थी, लेकिन मैंने इसको दरमियान से जो है वो कट करवा के उसको लेंथ वाइज जो है जुड़वाया है यहाँ पर, तो ये इसकी जॉइनिंग की वो आ गई है। और जो ग्रे वाला शिमर सिल्क था इसके ऊपर मैंने जो है ये पीको करवा लिया ताकि ये नीट लुक आ जाए इसके, तो दोनों तैयार हैं, अब हम ड्रेसेस उठाते हैं। कल मैं नैपकिन सर्च करी थी, बिकॉज इट हिट मी व्हेन आई वाज डन शॉपिंग कि मैंने नैपकिंस नहीं लिए, सो आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ यू गाइस ऑन इंस्टाग्राम, और सबने अल्फ़ता सेंटोरस वाली ब्रांच का मुझे बहुत रिकमेंड किया था, सो आई वेंट देयर रात को और वहाँ से मुझे नैपकिंस मिले थे, दे वर रियली नाइस। मैंने वीडियो में पहले ऐड की थी क्लिप उनकी, उसमें थोड़ा सा मोटा फैब्रिक भी था, आई थिंक दैट्स कॉल्ड डॉकयार्ड, एंड देन दे वर सिल्क वंस जो कि थोड़े रफल्स आए थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो वो मैं लेकर आई हूँ। अब घर जाना है, उसको भी सारा जो है वो रैपिंग करनी है, तो आई विल शो यू गाइज एवरीथिंग अलॉन्ग द वे। टाइम भाई नैपकिंस बनाने का। नैपकिंस बनाने के लिए आपने बस इसे हाफ सेक्शन में यानी एक ट्रायंगल पहले बनाना है, फिर दूसरा ट्रायंगल बनाना है, और बस सेंटर से उसे आपने ग्रिप कर लेना, एंड दैट्स इट। इसको मैंने टाई कर लिया था जूट से, एंड दैट्स इट। इतने क्यूट से बन गए थे। अगर आपके पास ऑलरेडी मेटल रिंग्स हैं तो उसका बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, यू कैन सर्च द नेट फॉर मोर वेज एंड टेक्निक्स जिससे आप इसे बना सकते हैं। जी गाइस, सो अल्हम्दुलिल्लाह माय टेबल इज़ ऑल सेट। ये कैंडल स्टैंड्स जो हमारी कटलरी है वो गोल थी, तो मैंने कहा चलो कैंडल स्टैंड्स भी ऐड कर ही देते हैं, वैसे भी थोड़ा डिम लाइट होगी तो इतना पता नहीं चलेगा और मेरा क्रोम इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। रनर आ गया है जी, दिस इज़ माई नैपकिन, ये मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया है कार्ड। सो अब लाइट शाइट्स जो हैं वो ऑन नहीं हुई हुई तो इतना पता नहीं चल रहा। बोर्ड फ़िलहाल इधर रख दिया है क्योंकि सब इधर से गुजर रहे थे तो वो गिर रहा है, बाद में इसको हम साइड पे कर देंगे। एंड इस एरिया में हमने सारा जो है वो बैकड्रॉप तैयार करना है और टेबल सेट करनी है फॉर केक एंड गिफ्ट्स। तो जो है क्या कहते हैं, ये अन्नी आएगी तो फिर मेरी हेल्प होगी, मैं किचन में चलती हूँ और चीज़ों की तैयारी करती हूँ। अच्छा जी, तो मीठे में मैं बना रही हूँ एस्प्रेसो 3 मिल्क कप्स, तो उसके लिए मैंने इवेपोरेटेड मिल्क बनाने के लिए रख दिया है। रेसिपी मेरी पुरानी वीडियो में पहले से है, सो आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दैट, सिर्फ मैं जो स्ट्रॉबेरी जैम है उसको सब्स्टिट्यूट कर लूँगी एस्प्रेसो से, बट असेंबलिंग के टाइम पे आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, डो की रेसिपी बड़ी सिंपल सी है। एक बोल में मैं ऐड कर दूँगी पानी, पानी को मैंने गर्म कर लिया था 40 सेकेंड्स टू 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव ओवन में, और ये मेरे पास है यीस्ट के साशे। तो मैं बना रही हूँ 2 पिज़्ज़ास, उसके लिए पहले मैं 1 साशे ऐड करूँगी और दूसरे वाले का हाफ इसमें ऐड करूँगी। एक पेपरोनी फ्लेवर्ड है, दूसरा जो है वो चिकन टिक्का होगा। इसमें चली जाएगी हनी अराउंड 2 टीस्पून,
इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट। मेक श्योर कि आपका पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ना बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा हो, इट शुड बी लूकवॉर्म। अच्छा, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इसको अच्छे से कर लेंगे विस्क। मैं इसके ऊपर एक प्लेट रख दूंगी, आप क्लिंग फिल्म से रैप कर सकते हैं किसी भी प्लास्टिक रैप से, ताकि ये प्रूफ हो जाए। अक्सर ऐसा होता है कि यीस्ट जो होती है वो एक्टिवेट नहीं हो पाती, तो वी नीड टू मेक श्योर कि यीस्ट इसे एक्टिवेट हो जाए। और ये मैं इस पर प्लेट रख दी है, आई लीव इट फॉर अबाउट 5 मिनट्स। उसके बाद हम इसमें जो है मैदा ऐड करेंगे। ये 10 मिनट्स हो गए हैं और यीस्ट आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी सी जो है पफी सी हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैदा। मैदा मैंने लिया है 4 कप, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते हैं। और मैं इसे स्पैचुला की हेल्प से पहले मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद जो है हम इसको हाथ से अच्छे से नीट कर लेंगे। अब इसमें ऑयल भी ऐड होगा। अगर और ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और लूप वार्म पानी ऐड कर लेंगे। मैं इसमें कुछ टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर दूँगी। इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा इसकी शेप आना शुरू हो जाए तो फिर हम हाथों से इसे नीट कर लेंगे। थोड़ी सी मुझे ड्राई लग रही है तो मैंने थोड़ा और पानी गर्म किया है, इसमें ऐड करेंगे और गूंथते जाएंगे। ये काफ़ी हद तक 2 मिनट नीट कर ली थी, लेकिन मैंने इसे काउंटर पे निकाल लिया है और साथ थोड़ा थोड़ा मैदा इसके ऊपर करूँगी डस्ट, थोड़ा सा काउंटर टॉप पे, और इसको हम यहाँ पे जो है नीट करेंगे फॉर अबाउट 2 to 3 मिनट्स। डो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। आपको अपने पाम को यूज़ करके इसको जो है स्ट्रेच करना है, फोल्ड इट एंड देन आप इसको नीट करें। ये डो अच्छी सी जो है हमारी तैयार हो गई है। आप इसे प्रेस करेंगे तो ये वापस बाउंस बैक करेगी। मैंने बोल को कर लिया था ग्रीस ऑयल के साथ, और इसमें मैं डाल दूंगी डो, और इसे हम एक वार्म जगह पे रख देंगे राइज होने के लिए। ये मैंने प्लेट रख दी है और मैं इसे रख दूंगी वार्म प्लेस पे राइज होने के लिए। मेरा इवेपोरेटेड मिल्क तैयार हो गया है, अब मैं बनाने लगी हूँ 3 मिल्क केक। अच्छा जी, ये 3 मिल्क के दोनों हमारे जो केक्स हैं वो तैयार है। वैसे तो मैंने तोड़ के ही डालने हैं कप्स के अंदर, कप्स में आपको दिखाती हूँ। अब ओवन में रखते हैं, फिर मैं अपना तैयार करूँगी इसका लिक्विड मिक्सचर। ये भाई पहला केक तैयार हो गया, दूसरा मैंने रख दिया है, और अब मैं बनाऊंगी पिज़्ज़ा की क्रस्ट के अंदर जो फिलिंग होती है उसकी वाइट सॉस। 2 टेबलस्पून बटर ऐड कर दूंगी। ये मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी मैदा। 2 टेबलस्पून बटर था लेकिन मैंने इसमें 3 टेबलस्पून मैदा ऐड किया क्योंकि मुझे काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी में चाहिए। ये थोड़ा सा खुशबूदार हो गया, अब इसमें मैं ऑलमोस्ट 1/2 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसको हमें बहुत थिक और गोई सा बनाना है, और फिर हम इसे कूल डाउन करेंगे क्योंकि हमने इसको पिज़्ज़ा की क्रस्ट के अंदर फिलिंग करनी है। इसमें मैंने चिकन क्यूब, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ऑरिगानो ऐड किया है, और थोड़ा सा मिल्क और ऐड किया है ताकि ये सब कुछ जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम फ्लेम ऑफ करेंगे जब ये अच्छा सा गूपी सा थिक सा हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें मैं मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर दूँगी, और बस ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। इसको बस जैसे ही मेल्ट होती है तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमारी फिलिंग की वाइट सॉस तैयार हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है, और इसको मैं रख दूंगी कूल डाउन होने के लिए। उसके बाद जो है हम अपनी चिकन तैयार करते हैं। ये मैंने कप्स मंगवाए थे सही ट्रेडर से,
ये एक्रेलिक के कप्स हैं, इनके अंदर जो है मैंने अपना भी 3 मिल्क बनाना है। अभी केक वार्म है तो इनके अंदर मैं केक की जो पार्ट्स हैं वो तोड़ के इसमें डालूंगी। इतना अच्छा स्पंजी सा ये बेक हुआ है, आई थिंक इतना काफ़ी है। थोड़ा देखते हैं बाकी कितनी फिलिंग आती है, उसके बाद हम और ऐड कर देंगे। ये मेरे सारे कप्स तैयार हो गए हैं, अब मुझे इसमें सिरप डालना भी काफ़ी वार्म है, इसमें स्टीम बन रही है, बट आई नीड एस्प्रेसो। तो अब मैं जाके एस्प्रेसो निकालती हूँ, फिर हम मिक्स करेंगे अपने इस मिल्क मिक्सचर में और फिर इस पर पोर करते हैं। लास्टली व्हिपिंग क्रीम रह जाएगी, वो तो बस लास्ट मोमेंट का काम है। बट कुकिंग द चिकन फॉर द पिज्ज़ा। ये भाई मैंने लिक्विड मिक्सचर में एस्प्रेसो भी डाल दी है, अब मैं इसको पोर कर लेती हूँ इन कप्स के अंदर। ऊपर तक फिल करना है इसको ताकि अच्छा से एब्जॉर्ब हो जाए। बस अब ये सारी बातें सोक होगा और क्या कहते हैं एब्जॉर्ब होगा इसके अंदर, उसके बाद हम इसे क्रीम से टॉप कर लेंगे। अच्छा जी, ये सारे हो गए तैयार, इनको रखते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए। लास्ट मोमेंट्स में मैं इस पर व्हिप क्रीम लगा दूँगी, थोड़ा सा हम एस्प्रेसो पाउडर कॉफ़ी पाउडर स्प्रेस कर देंगे। अच्छा जी, अब बना लेते हैं पिज्ज़ा का चिकन। सबसे पहले डाल लेते हैं ऑयल थोड़ा सा, मेरे पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो मैं फ्रेश गार्लिक यूज़ कर रही हूँ। इसको सॉटे कर लेंगे और फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। गार्लिक जो है वो सॉटे हो गया, मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को मैंने बहुत फाइनली डाइस कर लिया था क्योंकि पिज़्ज़ा में बहुत बड़े चांसेस नहीं लगते, मैं चिकन ब्रेस्ट यूज़ कर रही हूँ। बस ये जैसे ही इसका कलर चेंज होता है तो हम अपने स्पाइसेज ऐड कर देते हैं। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सारी स्पाइसेस, पपरिका सॉल्ट, वाइट पेपर, अनियन पाउडर, क्यूमिन, रेड चिली पाउडर, ये सारा इसमें चला जाएगा। तो जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी, हमारे चिकन भी तैयार है, टॉपिंग भी मैंने रेडी करनी है, बस फिर असेंबल करना शुरू करते हैं। अभी उसके बाद ठीक हो जाएगा। नहीं, टेबल मैंने कर दी है सेट, उसमें मैंने फ्लावर्स भी ऐड किए, आपको दिखाती हूँ। मोतिया ऐड किया, उसमें सारे वाइट फ्लावर्स हैं। खाती हूँ डोर कितनी की राइस हो गई है, सही फ्लफी। अब इसकी हम सारी एयर पंच आउट करेंगे और डिवाइड कर देंगे दो पीसेस में और फिर पिज्ज़ा असेंबल करते हैं। थोड़ा सा हाथ क्रीस कर रही हूँ ताकि स्टिक नहीं होए। पैन को ग्रीस करेंगे थोड़े सॉइल के साथ, इसको ब्रश कर लेंगे और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। और अब बस हाथ से ही इसको स्प्रेड कर लूँगी, बेल नहीं रही मैं। ट्रस्ट पे हमने थोड़ा सा ज़्यादा इसको स्पेस छोड़नी है ताकि हम इसमें पाइपिंग कर सकें फिलिंग की। मैंने क्रस्ट को थोड़ा सा इधर स्पेस छोड़ी हुई है, अब इसको मैं फिलिंग करती हूँ इस वाइट सॉस से। Oh my god.
पास इसको कर लेंगे फोल्ड इस तरह से। Oh my god guys, now I'm wrapping this up. I hope you like the narration. ये क्या है? White sauce filling. Oh no, मत फॉल आ रही है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिज्जा सॉस। आप अपनी मर्जी के हिसाब से डालें। लेकिन ओवर फिल करनी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केचप। केचप से थोड़ी और टैंगीनेस आ जाएगी इसमें। केचप भी चला गया है, पिज्जा सॉस चली गई है। अब थोड़ी सी जो है बेस में मैं पहले चेडर चीज डालूंगी, थोड़ी सी। फिर इसमें चिकन ऐड करूंगी। ज़्यादा ही लोडेड है बिकॉज मुझे फिलिंग ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। चिकन फेजिटा चला गया इसमें। थोड़ा सा चिकन सेव कर रही हूँ बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत ओवरलोडेड हो गया तो फिर वो बेस को अफेक्ट करेगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्लाइस्ड शिमला मिर्च। अच्छा, और इसमें जाएंगे स्लाइस्ड अनियंस। और इसमें जाएंगे ऑलिव्स। और फिर एंड में इसमें चली जाएगी चीज। इसमें चाहिएगी पहले चेडर चीज, अब चाहिएगी मोज़रेला चीज, इसी तरह डो को स्प्रेड करते हैं। पिज्जा सॉस, अच्छा जी, तो फाइनली मेरा पेपरोनी पिज्जा भी रेडी है। क्रीम मैंने अभी रखी हुई है फ्रीजर में, जैसे ही वो थोड़ी चिल हो जाएगी फिर मैं उसे बीट करूँगी। आई थिंक वो तैयार होने के बाद भी हो जाएगी। इसको भी मैं कवर कर देती हूँ एंड तैयार होते हैं। सो गाइज, आई एम ऑल रेडी। मैंने बहुत प्यारा सा बरोका सूट पहना हुआ है एंड आई गॉट दीज इयर रिंग्स फ्राम अ पेज कॉल्ड द ऑर्नामेंट। एंड अब बस मैंने ओवन को प्री हीट होने रखा हुआ है। आई विल बेक माई पिज़्ज़ाज जैसे ही मुझे पता चलेगा कि अम्मा निकल गई हैं वहाँ से, ताकि वो गरम गरम ही सर्व किए जाएं। एंड द बैकड्रॉप इज़ डन, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अम्मा के सारे गिफ्ट्स रख दिए हैं, कार्ड रख दिया है, ये अम्मा की स्नैक बास्केट रनिया ने बनाई है, शी गॉट सम फ्लावर्स। यहाँ पे हम रखेंगे केक, दीज आर सम केक प्लेट्स एंड स्पून्स। ये एक बंच मैंने लगा दिया हीलियम बलून्स का यहाँ पे एक साइड पे, और ये है बैकड्रॉप। ये फॉइल कर्टन्स जो मैंने लिए थे इधर लगा दिए हैं, और इसका जो डी है वो मिसिंग है। तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं, इसी से गुजारा करते हैं। सो दिस इज़ ऑल डन। और हाँ, ये मोतिया की लड़ियाँ मुझे माँ को भी अच्छी लगती हैं बहुत ज़्यादा, और इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो ये भी मैंने मंगवा ली थी। पिज़्ज़ा को आपने बेक करना है फॉर अबाउट 15-25 मिनट्स एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आप अपर और ऑन करके इसे कलर भी दे सकते हैं। मेरे अभी इतने अच्छे से तो सेट नहीं हुए, लिक्विड अभी भी है इनके अंदर, लेकिन मैंने इस पर व्हिपिंग क्रीम को बीट किया था और इसके ऊपर पाइप कर दिया।
अब जो रिमेनिंग मेरा मिक्सचर था, क्योंकि आधा मिक्सचर जो था वो मैंने जो बेक किया था वो इनके अंदर आ गया था, आधे को मैं फ्रॉस्ट कर लूँगी। पिज्ज़ा मेरे आई थिंक बॉटम से तो बेक हो गया, अभी अपर रॉड मैंने ऑन की हुई है इसे कलर देने के लिए, होपफुली ये भी टाइम से बेक हो जाएगा। पिज्ज़ा मेरा अभी बेक हो रहा है, उमर क्या हुआ है अम्मा को लेने, एंड एवरी थिंग इज़ रेडी। पिज्ज़ा हो गया है बेक, मैंने बहुत ज़्यादा देर के लिए अपर रॉड ऑन नहीं की बिकॉज फिर जो थोड़ी सी क्रस्टी हो जाती है चीज़, तो अब मैं इसे अवन में ही छोड़ूंगी, अम्मा के आने में टाइम है, उसके बाद फिर मैं पेपरोनी वाला बेक करने रखती हूँ। अम्मा आ गई, उनका वेट हो रहा है। हम उधर चुप 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 खुल रहा है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Amma. Happy birthday to you. पता अम्मा को था? पता है आपको? हमें पता है। नहीं नहीं सब कुछ नहीं। हमने तो तैयार क्यों होने दी? बिल्कुल असमत ने जिक्र ही नहीं किया, बस बता चुकी थी। ओह माय गॉड, मुझे तो शर्म आ रही है। मैं देख रही हूँ उसकी फ्रेंड्स का है, तो सब ड्रामा था। हाँ किसकी फ्रेंड? अनिया की फ्रेंड। तुमने क्या बोला था, तुम्हारी दोस्त है अनिया? अच्छा अनिया, हम ना तुम लोग बहुत तेज हो। मैं वो बोल रहा हूँ, तो वाकई में ये जब मैंने ये देखा बहुत ही क्या मामा लगा। इससे तो कल आप इतना बोल रहे थे फाइजर से क्लैन वाला जोड़ा पहन ले। हाँ पहना ही नहीं आपने वो। अच्छा तो थोड़ा सा पता होता तो पहन ले। थोड़ा सा जबरदस्त है तो ना बताते ना, हमको पता भी ना चलता। मुझे तो नहीं पता चला, सीमा खाला को बुलाओ ना। मुझे तो लग रहा है आपको पता चल गया था। नहीं कसम से, नहीं कसम, नहीं मेरी कसम खाओ। तुम्हारी कसम? अच्छा बस ठीक है, बस ठीक है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी बर्थडे गर्ल बैठे हैं, अभी थोड़ा देखो ना अपना डेकोर। आओ मैं आपको टेबल तो दिखाऊं जरा डिटेल में, इससे पहले खाना लग जाए। आओ ये सारा मैं कल जो आबिश के साथ गई थी ना झूठ बोल के कि मैं उसकी चीजें लेने, मैं ये चीजें लेने गई थी सारी। देखा कैसा सीक्रेट रखा। ये देखो ये नैपकिन्स बनाए हैं, ये मेन्यू बनाया है, मेन्यू देखो। फिर ऐसा मजा थोड़ी कोई आता, मेन्यू में मुझे नजर थोड़ी आ रहा है। चश्मा है? चश्मा से भी नहीं आएगा, बहुत बारीकी का है। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये मोतिया है, मोतिया। ये सब हमने तो नहीं कह रही थी क्या? सोई लेटी हुई वो तैयार नहीं हुई। उमर कह रहा 2 मिनट में, हमने मुझे वीडियो पे सारी तस्वीरें दिखा रही थी। तुम्हें पता था? हां पता था, सबको पता था, हुमैरा को भी पता था, असमत को भी। मैंने फोन पे कहा था असमत बताना नहीं, हम आज इसलिए आ रहे हैं। कह ली ठीक है, उसने कोई जिक्र किया? उसने तो जरा सा भी पता नहीं लगने दिया। अल्लाह बहुत तेज हो भाई, बहुत तेज हो। ऐसा मजा नहीं आता ना, माय गॉड नहीं निकलता ना। अल्लाह ये सब क्या हो गया? ये हमारे पास थे, ये मैं लेके आई थी कल। ये कल सब इसने मुझे तस्वीरें दिखाई थी। आपका केक आ गया है जी, फाइजर से क्लैन वाला आपका ड्रेस पर। जल्दी 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 केक कटने लगा है। केक भी आ गया है और अम्मा के सारे गिफ्ट्स आ जाए। चलें अम्मा दुपट्टा वो मोमबत्ती से बचाना। हाँ हाँ चलो बस हैप्पी हैप्पी ठीक है बस। चलो गुड, चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अम्मा। चला को फुँ 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 फुँ। क्या विश किया आपने?
बस अल्लाह ताला सबका साथ बरकरार रहे, बच्चे मिल जाए तो सबका साथ बरकरार रहे, है ना। क्या यार तुम लोग मेरी पसंद की चीज़ें। एक मिनट वाटर ब्रेक। ये मुझे बहुत पसंद था, थैंक यू। अच्छा अब बस बाकी सारे तोहफे हम सबकी तरफ से हैं। हमने सोचा हमारी मम्मी का सारा गोल्ड बिक गया था ना, तो गोल्ड आ चुका है। गोल्ड है तो चांदी की थोड़ी होगा। अम्मा इतना बड़ा बड़ा अलमास में लिखा नजर आ रहा है डब्बे में, वो पीछे डब्बे खोले, डब्बा खोले, डब्बा खोले, अब ऊपर उधर सामने आ ये। ओके यार ये तो तुम लोगों ने कमाल कर दिया है, ये तो वाकई बहुत ज्यादा। अब बोलो बोलो अनिया, ये बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा है, बहुत हसीन है। चलिए आपको पहनाऊं, वेरी नाइस पहले। क्योंकि हम सारे डिनर में बिजी हो गए थे। खाना माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा बना था, इट वॉज नो लेस देन एनी रेस्टोरेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब इतना अच्छा था, अम्मा इतनी ज़्यादा खुश थी, उनको इतना सब कुछ पसंद आया। आई प्लान वॉज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आई हुई हूँ F10 एंड अम्मा एंड सीमा खाला हैव गॉन फॉर शॉपिंग, इट्स द नेक्स्ट डे बेसिकली। तो अब जो है अम्मा जैसे ही आती हैं मैं थोड़ा सा उनका रिव्यू लेके आपको दिखाती हूँ। रात को हम लोग बहुत लेट जो हैं वो सोए और हमने ढेर सारी गपशप की, इट वाज अ रियली गुड फैमिली टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अम्मा का वेट कर रही हूँ एंड उसके बाद जो है आई विल एंड द वीडियो। अच्छा जी, सो गाइस वी आर बैक होम और अम्मा से लेते हैं छोटा सा रिव्यू। कैसा लगा आपको अपना सरप्राइज? बयान से बाहर है, बता नहीं सकती कि कैसा लगा है। यानी एक ख्वाब ही लग रहा था, एक ड्रीम में हूँ मैं। और इतना सब कुछ इन्होंने इतनी खामोशी के साथ किया, इतनी खामोशी के साथ कि मुझे ज़रा भी गुमान नहीं हुआ कि ये कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है या कुछ कर रहे हैं। इतनी खामोशी के साथ इन्होंने सब तैयारियाँ की हैं और इतना माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त मुझे गिफ्ट दिए हैं कि दिल जो है ना वो बाग बाग हो गया है। और ये जो हद यानी एक चीज़ होती है और उससे आपकी दिमाग आपकी सोच ख़त्म हो जाती है, मतलब आप यहाँ तक ही सोच सकते हैं कि ये एक लाइन है, लेकिन जो उससे बहुत ज़्यादा बढ़कर जो करता है वो हमना और अनिया, वो अपनी हमारी सोच से भी बढ़कर आगे चली जाती हैं और बंदे को इतना खुश कर देती हैं कि आप आपको यकीन नहीं आता, आपको ऐसे लगते हैं हम उड़ रहे हैं, बस आप अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं उस वक्त, इतना ये आपको स्पेशल फील कराती है, इतना स्पेशल कि आपको खुद पर भी प्यार आने लगता है कि आपको इतना अच्छा और इतना स्पेशल फील कराना और हद से तजावज़ कर जाना, वो इन दोनों के अलावा बस ख़त्म। आपके बेटे भी? हाँ बेटे, भाई बेटे भी इनके साथ शामिल है, सभी बच्चों के लिए मैं कह रही हूँ कि ये दोनों तो वो होती है ना कि सब कुछ करना, क्रिएटिविटी, सारा कुछ काम शाम भाग दौड़, तो बेटे भी इनके साथ साथ शामिल होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं, सबकी प्लानिंग होती है। तो माशाल्लाह हर बच्चे ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त माँ को खुश करने के लिए जो कर सकते थे वो अपने से बढ़ कर किया। तो इतना प्यार और इतना सब कुछ, भाई मैं यकीन करें कि मैं अभी तक उस खुशी के अंदर ही गुम हूँ। एक और सवाल, आप कितने साल की हो गई हैं? मजाक कर रही हूँ।
भाई अब ये तो रास की बात है, अब अपने हिसाब से जो समझ लें, इतने ही साल की हूँ मैं, मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, कोई बात नहीं, ये सीक्रेट है, लेकिन ये कि सबको पता ही होगा, एज इज जस्ट अ नंबर, इंसान का दिल होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, और नंबर से फर्क नहीं पड़ता, नंबर से फर्क नहीं पड़ता, और आपको खुद जो है ना अपने आप को वो नहीं समझना चाहिए कि मैं अब बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, खुश रहें और इंजॉय करें बच्चों के साथ और शौक भी अच्छे अच्छे रखें, क्योंकि अगर हम थोड़े से डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं तो बहुत वीक महसूस करते हैं, अपने आप को हशाश पशाश रखें और आगे बढ़ के चलें जवानों की तरह। So guys, that's it for today's video. I hope आपको अम्मा का मैसेज, अम्मा की बर्थडे, बिहाइंड द सीन, सारी तैयारियाँ, मेरी पिज्ज़ा की रेसिपी, एंड ऑल्सो दिस पिज्ज़ा रेसिपी इज माई बेस्ट फ्रेंड्स रेसिपी, एनी की रेसिपी है, जो कि अगेन यू गाइज विल से कि भाई मैंने चोरी कर ली है, बट उसकी रेसिपीज मेरी रेसिपीज होती हैं, सो इट्स ओके। सो दैट्स इट, आई विल बी मीटिंग यू गाइज इन अनदर वीडियो, अल्लाह हाफिज़।